पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने चोरी का अपराध करने के आरोप में दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो चोरी की मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन, एक अवैध देसी तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किया है। आरोपियों की पहचान चौरी चौरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हर्ष जायसवाल व विकास जायसवाल के रूप में हुई है। आइए जी, बधाइए जी, बधाइए। तो सामने से एक फोटो डिटेल वगैरह तुमने किए हैं सर? नहीं नहीं, ये चार्ट कौन बेचता है? कहाँ दुकान है इसकी? कह रहा हूँ यूनिक तमंचा है भाई, सब बहुत खतरनाक। 12 बोल, ये बाइक की चाबियाँ देखो, ये इंटरेस्टिंग है। इनसे प्रयास किया तो सारी बाइकें खुली। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया, जनपद गोरखपुर में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना कैंट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश किया है जो लोग खुद ही स्मार्ट की बना के 2017 वर्ष से पहले की मैन्युफैक्चर्ड जो भी बाइक्स थी, इसमें स्पेशली हीरो कंपनी की और अन्य कंपनियों की, उनको टारगेट करते थे। उन गाड़ियों को चोरी करके फिर उनका इस्तेमाल छिनेती में करते थे। इन्होंने जनपद गोरखपुर, जनपद देवरिया एवं आसपास के जो भी जनपद हैं उनमें छिनेती की घटनाएं कारित की है। जनपद गोरखपुर में इन्होंने कुल इस तरीके से 6 बाइक हैं वो चोरी की हैं, उनमें से 2 बाइक ट्रेस हो चुकी हैं, 4 बाइक ट्रेस की जा रही हैं और 3 छिनेती के मोबाइल इनसे बरामद हुए हैं। इन लोगों ने ऑपरेशन त्रिनेत्र में लगे कैमरों को डॉज करने के लिए, ताकि उनकी जद में ना आए, इसके लिए इन्होंने अपना कान पे मोबाइल लगा के और विभिन्न प्रकार के इशारे करके इस तरह की घटनाएं कारित करने का काम किया है। 2 अभियुक्त जिनका नाम हर्ष जायसवाल और विकास जायसवाल है, जो आपस में रिश्तेदार हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से एक अदद तमंचा भी बरामद हुआ है। इन सभी लोगों को, इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हाँ, जिस दिन ये बाइक चुराते थे उसी समय घटना को अंजाम देते थे। बेसिकली ये चोरी और छिनेती दोनों का काम एक साथ करते थे और बाद में बाइक चुराने के बाद में बाइक को ये एक सुनसान जगह पर छोड़ देते थे, ताकि पुलिस है वो बाइक को ढूंढे और इन लोगों को